आज भगवान मथुरा के महल पे खड़े हैं, गोधूलि का समय यही समय है जिसमें आप बैठे हो, सुन रहे हो आप? कौन कौन सुन रहा है? क्या बात है, ध्यान से सुनना। आज भगवान खड़े हैं तो भगवान ब्रज की तरफ देख रहे हैं और ब्रज में यमुना की तरफ देख रहे हैं। प्रिया छवि बार बार कालिंदी के द्वार द्वार देखते देखते प्रभु को लगा कि जैसे आज यमुना का जल हर दिन की भांति नहीं बहता, यमुना का जल आज ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है कि यमुना में जल नहीं, ग्वाल बाल गोपी ग्वाल नंद बाबा और मैया यशोदा के आंसू बह रहे हैं। देखते 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 प्रभु ऐसे डूबे उस भाव में कि कहते रहे श्री दामा क्या करता है, अरे माखन मत चुरा, गोपी आ जाएगी, माँ की मार पड़ेगी, भगवान खो गए कि जैसे ब्रज में ही है। और तभी उद्धव जी आ गए, अरे प्रभु आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो? और उद्धव बृहस्पति का शिष्य है, ज्ञानी है। उद्धव को देखते ही ब्रजवासियों को याद करते भगवान जोर जोर से रोने लगे, बुरी तरह रोने लगे। मथुरा में भगवान का अगर कोई मित्र है तो वो उद्धव है, और जो अतरंग मित्र है, अतरंग का मतलब बिल्कुल भगवान का हर रूप वेशभूषा उससे मिलती है और मन की बात भी हम उसी को बता सकते हैं। हंसी मजाक तो सबके साथ कर सकते हैं कि लेकिन रो उसी के सामने रोते हैं जो इस भाव को समझता है। जब भगवान रोए तो उद्धव ने कहा, रे प्रभु आप तो निर्गुण निराकार हो, सारी दुनिया को बनाते हो, आप किसके लिए रो रहे हो? तो भगवान ने एक पल में ही अपने अश्रुओं को पूछ लिया, क्यों? क्योंकि अभी उद्धव इस भाव को नहीं समझ सकता। अरे प्रभु बताइए क्या बात है? तो प्रभु कहते उद्धव मुझे ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। उद्धव मेरी मैया जैसे कोई मैया नहीं, और भगवान की मैया कौन? माँ यशोदा। उद्धव मेरी मैया जैसी कोई मैया नहीं, मैं मेरी मैया को इतना तंग करता इतना तंग करता, लेकिन एक पल के लिए भी मेरी मैया मुझसे दूर नहीं होती, इतने उल्हाने लेके आता। लेकिन एक दिन क्या हुआ, संध्या के समय में थोड़ा देर से आया, भगवान स्वयं गौ चराने के लिए जाते थे, तो मैया कहती है कन्हैया देख जब तू थोड़ा देर कर देता है तो मेरा कलेजा मेरी जगह छोड़ देता है, इसलिए कन्हैया तू देर मत किया कर, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मेरी माँ छटपटाने लगती, महल छोड़ के द्वार पे आ जाती, मैं कितना बुरा हूँ, बरसों बीत गए माँ को छोड़े हुए, लेकिन मेरी माँ जैसी कोई माँ नहीं है। उदो और मेरे बाबा का तो कहना ही क्या, नंद बाबा जानबूझकर चप्पले नहीं डालते थे, जानबूझकर चप्पले अंदर रख के बाहर चले जाते थे, क्यों? कन्हैया आएगा और दोनों चप्पलों को अपने सिर पे उठा के लेके आएगा और कहेगा बाबा बाबा चप्पले पहन लो, मेरे बाबा जैसा कोई बाबा नहीं है उदो, और मेरी मैया जैसी कोई मैया नहीं। और उदो गोपियों की तो पूछो ही मत, मैया यशोदा कहती मैं कभी किसी गोपी की मुटकी फोड़ देता, कभी किसी गोपी के घर से माखन चुरा लेता। तो मेरी मैया कहती कन्हैया ये गोपियां बड़ी गरीब है,
बड़ी निर्धन है, अरे दूध बेच के माखन बेच के ये अपना गुजारा करती हैं, और तू इनके माखन को मिट्टी में मिला देता है कन्हैया, तू ऐसा मत किया कर, उनके घर मत जाया कर, माखन की चोरी मत किया कर। दो जब मैं दो दो तीन दिन दिन के लिए नहीं जाता तो गोपियां आती और क्रोध में भर के माँ यशोदा से कहती, यशोदा क्या कन्हैया तेरा ही बच्चा है, क्या कन्हैया पर तेरा ही हक है, अरे तू क्यों रोकती है इसे हमारे घर आने के लिए, अरे ये हम गरीब तब नहीं, हम गरीब तब नहीं जब ये हमारा माखन चुराता है, हमारी मटकी फोड़ता है, अरे हम गरीब तो तब है जब ये हमारे घर नहीं आता है। तू इसे मना मत किया कर यशोदा, इसके लिए हजारों मटकियां कुर्बान, माखन कुर्बान। तो दो राधे 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 कहते भगवान, उदो कहते रे भगवान आप तो किन को याद करके रो रहे हो, उन गवारों को, उन अनपढ़ों को, अरे प्रभु वो क्या जाने आप कौन हो, आप तो भगवान हो, वो आपको नहीं समझ सकते, प्रभु आपकी गलती है। उदो भगवान से ही कहते हैं आपकी गलती है, आपको उन्हें ज्ञान देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था, अब प्रभु को समझ आया, हाँ यहाँ बात बन सकती है। उदो मैं उन्हें कैसे ज्ञान दे सकता हूँ, अरे मैं तो 64 दिनों के लिए ही गुरु के पास गया था और 64 दिनों में कितना सीख सकता हूँ, लेकिन हाँ उदो तू ज्ञानियों में परम है, बृहस्पति का शिष्य है, इसलिए मेरा एक काम करेगा, तू मेरा मित्र है, अरे भगवान आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, तू ऐसा कर मेरी तरफ से ब्रजवासियों को ज्ञान तू दे के आ, क्या बोलना पड़ेगा। और उदो कहते हैं उन अनपढ़ों को, गवारों को जो पोखर की रोटी, पोखर का पानी पीते, बेजड़ की रोटी खाते, प्रभु कोई बात नहीं आप कहते हो तो चला जाता हूँ, लेकिन एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कहते तू एक बार चला तो जा, अपना मुकुट देते हैं, अपना पीताम्बर देते हैं, अपना बांसुरी तो नहीं देते भगवान, कुछ कुछ अपनी वेशभूषा देते और अपना रथ देते हैं, क्यों भगवान से उदो कहते ये किस लिए, भगवान कहते अगर ये मैं ना दूं तो बात करना तो दूर, वो तेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो कर। अब उदो चाहते कि भगवान रोए ना, चले जाते हैं। जैसे ही उदो भगवान का रथ लेके गए, भक्तों यमुना के किनारे ब्रजवासी आ जाते हैं, क्यों कन्हैया कह के गए थे परसों आ जाएंगे, हर दिन आते हैं, सुबह बैठते हैं इंतजार करते हैं, और शाम को जब नहीं आता तो सोते तो नहीं, हर दिन वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, आज रथ दिखा प्रश्न हुए, लेकिन जैसे ही रथ पास आया फिर चेहरे उदास हो गए, रथ रुका, उधो रुके उतरे, हाथ जोड़कर उधो ने सभी से कहा जय श्री कृष्ण, अब कृष्ण का नाम था तो सभी बोले जय श्री कृष्ण। उधो कहता है मुझे नंद बाबा के महल जाना है, यशोदा के महल जाना है, तो ब्रजवासी कहते हैं कि फिर चला जा, रोक कौन रहा है, क्यों गुस्सा है कि किसी को भेजा है खुद नहीं आया, रास्ता बता दो भैया, ये जो जल दिख रहा है ना ये धार दिख रही है, ये किसी जल की नहीं, ये नंद बाबा और मैया यशोदा के आंसुओं की धारा है, इसी का अनुसरण कर और पहुंच जाएगा।
जैसे ही महल के पास पहुंचा आवाज लगाई नंद बाबा, एक दुबला पतला आंखें गड़ी हुई है बिल्कुल कमजोर पुरुष बाहर आता है। प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण ने भेजा है। नंद बाबा ने प्रणाम स्वीकार किया और कहता है बैठ, मैं तेरे लिए भोजन लेके आता हूँ। क्या कहा नंद बाबा ने, भोजन लेके आता हूँ। कन्हैया कितने दिन हो गए भगवान को गए हुए, घर में भोजन नहीं बनता है, रसोई घर को में जाले लगे हुए हैं। मैया ये सौदा आती, अरे कौन, कृष्ण का मित्र आता है, कृष्ण का मित्र आया है। तो मैया कहती है, अरे कन्हैया, जब वो कन्हैया रोता था तो मैं सारे काम छोड़ के उसे गोद में ले लेती थी, और तो कृष्ण का मित्र है, उसे बोलना कि तेरी माँ कितना रो रही है तेरे लिए, वो क्यों नहीं आता मेरे पास, मैं सारे काम छोड़ देती थी। ऐसा कौन सा काम है उसे जो माँ से भी जरूरी है। वो दो हैरान हो गए, क्या बात। वो तो कहते मैया ऐसा नहीं कि कृष्ण तुझे याद नहीं करते, माँ देवकी ने कहा यशोदा ऐसा नहीं, तू तो कहती थी कि कृष्ण चंचल है लेकिन मथुरा में आकर वो किसी से बात भी नहीं करता। अरे मैं तो तुझे इसलिए नहीं कहना चाहती कि तू परेशान हो गई। एक दिन मैंने माखन गोरस की कोई मिठाई बना दी तो रोते रोते सारा भोजन छोड़ दिया, और माँ देवकी से कहता है कि तू कुछ भी बनाना लेकिन माखन से बनी कोई मिठाई मत बनाना।